अरे बच्चे, गिर ना जाना, चोट तो नहीं लगी? अरे हेलो सुनीता, या आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। ओ माय गॉड, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, लेकिन ऑफिस तो ज़रूर जाना ही पड़ेगा, कहीं मेरी सैलरी कट ना हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका नागपाल, आपकी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसको कहते हैं सेल्फ कंपैशन। और ये सेल्फ कंपैशन क्या है, और ये हम खुद को कैसे दिखाएं, और क्यों हो सेल्फ कंपैशन। बस इससे पहले कि हम इस बारे में सुने, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बिकॉज आपके बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स होंगे जिन्हें भी इनकी ज़रूरत होगी, उन्हें भी समझना होगा कि सेल्फ कंपैशन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो आप बात मानते होंगे कि सारी दुनिया की आप खबर रखते हैं, सारी दुनिया को आप समझाते फिरते हैं, सारी दुनिया के साथ सहानुभूति करते हैं, लेकिन जब खुद पे बात आती है तो ओके, इट इज़ फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वी निगलेक्ट आर सेल्व टू द पॉइंट दैट वी बिकम सिक। अब मेरा ही देख लीजिए, गला ख़राब है, लेकिन मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने आपके लिए, बिकॉज कमिटमेंट है, राइट। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि सेल्फ कंपैशनेट कैसे बने, पहले मैं आपको यह बताऊँगी कि हमें सेल्फ कंपैशनेट क्यों होना चाहिए, खुद की तरफ सहानुभूति, खुद की तरफ करुणा क्यों होनी चाहिए हमारा। तो स्टडी के दौरान ये समझा गया है कि जब हम अपनी तरफ थोड़ी सी भी सहानुभूति, थोड़ी सी भी कंपैशन रखते हैं, तो वी बिकम लेस सेल्फ क्रिटिकल, अपने आप को मारते नहीं हैं, वी डोंट बीट आर सेल्फ्स अप। माई चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, प्रॉब्ली आई एम नॉट ए गुड मदर, दैट इज़ वॉट वी थिंक। मैं अच्छा ही नहीं हूँ, इसीलिए मेरे को बुरे लोग मिलते हैं, इसीलिए मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, क्योंकि मैं ही अच्छा नहीं हूँ। सो दिस काइंड ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म विच वी आर हैविंग, सेल्फ क्रिटिकल टॉक दैट वी डू टू आर सेल्व्स, विल स्टॉप व्हेन वी स्टार्ट टू हैव सेल्फ कंपैशन। एंड नेक्स्ट बेनिफिट विच वी हैव इज दैट वी आर एबल टू लोअर द स्ट्रेस हॉर्मोन। द स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो हमारे बॉडी में बनते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं जब हम खुद से, अपने आप से थोड़ा प्यार करेंगे, थोड़ा सहानुभूति दिखाएंगे। और एक बेनिफिट होता है जब हम अपने आप की तरफ सेल्फ कंपैशनेट होते हैं, कि हम अपने आप को एनकरेज कर पाते हैं, हम हर बार जब गिरते हैं तो उठने को अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। वी बिकम मोर रेजिलियंट as and when we are able to show self-compassion to ourselves. So, खुद का ख्याल रखना कोई selfish नहीं है. We are not being selfish when we are taking care of ourselves. We are being self-compassionate. अगर ऑफिस में आज आपका दिन अच्छा नहीं था, या स्कूल में आपके टीचर ने आपको गुस्सा कर दिया, तो आप अपने आप को ही ब्लेम करते हैं कि मैं ऐसा नहीं किया इसलिए ये हो गया। तो इसीलिए हम आपको बताएंगे कि अब आप सेल्फ कंपैशनेट कैसे बने। तो सबसे पहले आप एक क्षण रुकिए, देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, हाउ टू बी सेल्फ कंपैशनेट टूवर्ड्स योर सेल्फ। सो फर्स्ट स्टेप इज टू टेक अ पॉज, एंड टू नो अबाउट अ पॉज यू कैन ऑल्सो चेक वन ऑफ माई वीडियोज, अ प्रीवियस वीडियो विच आई हैव एक्सप्लेन्ड more about taking a pause. So when you have taken a pause, जैसे ही आपने आप एक pause लिया, आप acknowledge करते हैं कि समस्या है, समस्या को deny नहीं करना है, क्योंकि हम कभी कभी deny कर देते हैं कि नहीं कुछ problem ही नहीं है। तो पहले तो ये accept करना है कि समस्या है, that is the first step. The second step is to remember one person who is very compassionate towards us. उस व्यक्ति को याद कीजिए, उसके बारे में सोचिए जो आपके प्रति बहुत सहानुभूति दिखाते हैं, चाहे वो आपका पेट ही क्यों ना हो, नहीं आपके फ्रेंड्स हैं, कोई आपकी फैमिली मेम्बर है, कोई भी हो, उनको याद करिए।
उनकी उनके बारे में सोचिए, एंड वंस यू हैव डन दैट आप फिर वापस अपनी समस्या के बारे में सोच के ऐसा महसूस करिए कि वो इंसान आपको बहुत समझा रहा है, आपके साथ सहानुभूति दिखा रहा है कि इस समस्या का हल है. यू कैन डू इट, यू आर एबल टू विजुलाइज दिस, दैट दिस पर्सन इज टेकिंग गुड केयर ऑफ यू एंड वो आपको समझ रहा है. तो बस यही फीलिंग जो आपको उस व्यक्ति से मिल रही है, अब वही फीलिंग आप अपने आप को दीजिए. क्योंकि जब अपने अंदर से हम ये फीलिंग नहीं ला पाते हैं तो हम ये फीलिंग इस तरह से अपने ऊपर ला सकते हैं. सो नाउ व्हेन यू हैव दिस टेस्ट ऑफ सेल्फ कंपैशन फ्रॉम समबडी एल्स, यू स्टार्ट टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर सेल्फ. तो आप खुद को बोल सकते हैं कि आई एम ट्रांसफॉर्मिंग, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम मोर काम, आई हैव द स्ट्रेंथ एंड आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम करेजियस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ माइंड. वंस यू हैव डन दिस यू विल फील दैट कंपैशन सिंक्स इनसाइड यू एंड यू आर दैट दिस कंपैशन बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू. एक्चुअली वंस इट सिंक्स इन यू इट बिकम्स पार्ट ऑफ यू. तो दोस्तों इसी तरह बस यूं ही कंपैशन बनाए रखिए, अपने प्रति भी ज़रूरी है ये. खुश रहिए और अपने अंदर एक उम्मीद जगाए रखिए. नमस्कार.